जय हिंद। सिवान डिस्कशन ग्रुप में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बिहार बीपीएससी टीचर फेज टू के वैकेंसी के बारे में, ठीक है। इसमें जितना भी जानकारी जो आपके लिए बहुत लाभदायक है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। एज से रिलेटेड बात करेंगे कि आपके पास कितना एज होना चाहिए कि फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, टोटल सीट कितना है यानी कि क्लास वाइज सीट कितना है, सीट कितना है, हर एक चीज़ आपको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वैकेंसी कौन सा है, बिहार बीपीएससी टीचर फेज टू का वैकेंसी है, ठीक है। इसमें हेडमास्टर का वैकेंसी है जो है 23 वाला, इसमें हेडमास्टर का भी टोटल भी वैकेंसी है। हर एक चीज़ हम बात करेंगे, बहुत मीनी पूरा ए टू जेड जितना भी है हर एक चीज़ बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए किस लेवल का है, देखिए 1 to 5, 9, 10 और 11, 12 यानी तीनों का वैकेंसी है। उसके बाद हेडमास्टर का भी वैकेंसी है, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे। अगर एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो जो जनरल से आते हैं, जनरल से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना फ़ी लगेगा, 750 फी लगेगा। जो अदर स्टेट से आते हैं, अदर स्टेट यानी बिहार के अलावा किसी भी स्टेट से आते हैं, उनका भी वो भी बिहार में जनरल से काउंट होंगे तो उनका भी 750 रुपये लगेगा, ठीक है। और एसी एसटी या पीएच यानी जो विकलांग होंगे उनके लिए कितना फ़ी लगेगा, तो 200 रुपये लगेगा, ठीक है। और फीमेल अब बिहार की कोई भी फीमेल हो उनको 200 रुपये लगेगा, ठीक है। और अदर स्टेट का फीमेल हो चाहे कोई कैटेगरी से हैं तो वो जनरल में आएंगे तो उनका 750 रुपये लगेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा वो हम देख लेते हैं। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 5 तारीख यानी आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का लास्ट डेट है आपका 14 नवंबर, यानी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट को आप 14 नवंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 17 नवंबर विथ लेट फाइन, यानी आप लेट फाइन देकर 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी पहले पेमेंट करना है। अब देखिए आपका ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा, 10 नवंबर से। कब से स्टार्ट होगा, 10 नवंबर से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन यानी अप्लाई करने के फॉर्म भरने का डेट लास्ट आपका है क्या चीज़, 15 नवंबर, यानी 15 नवंबर तक आप देखिए अप्लाई कर सकते हैं 10 नवंबर से, यानी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है लेकिन फॉर्म भराएगा क्या 10 नवंबर से, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 15 नवंबर है, ठीक है। या और एग्ज़ाम डेट के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यानी कि एग्ज़ाम आपको बहुत जल्दी एक या 2 महीने में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए क्योंकि बिहार सरकार इस बार लेट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम एज के बारे में बात कर लेते हैं, कितना एज चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए, पोस्ट वाइज हम बात करते हैं। देखिए मिडिल और प्राइमरी स्कूल टीजीटी वाले ट्रेनिंग वाले भी और पीजीटी वाले देखिए इनका मिनिमम उम्र होना चाहिए जैसे 6 से 8 वाले के एज कितना होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम कितना 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और 9, 10 और 11, 12 के लिए मिनिमम एज यानी कि सब मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए, मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम उम्र की बात करें तो 37 साल यूआर मेल के लिए, 37 साल मैक्सिमम आपका यूआर फीमेल के लिए 40 साल, और बीसी ईबीसी मेल या फीमेल के लिए 40 साल, एसी एसटी मेल या फीमेल के लिए कितना 42 साल, ठीक है, कितना 42 साल। आगे देख लेते हैं हेडमास्टर में कितना एज चाहिए, हेडमास्टर में फॉर हेडमास्टर पोस्ट के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 31 साल होना चाहिए, मिनिमम 31 साल, ठीक है। मैक्सिमम आपका 37 से 47 साल, ठीक है। और यूआर फीमेल के लिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, यूआर फीमेल के लिए 50 साल, और बीसी ईबीसी मेल या फीमेल के लिए 50 साल, और एसी और एसटी मेल और फीमेल के लिए कितना 52 साल मैक्सिमम उम्र होना चाहिए। अब मिनिमम उम्र कितना है, मिनिमम आपका 31 साल है, ठीक है, मिनिमम आपका 31 साल है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसके कि पोस्ट वाइज वैकेंसी किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है वे हम से देखेंगे हर एक चीज़, ठीक है, यानी एक एक करके देखेंगे। देखिए टोटल पोस्ट कितना है, तो 70,622 पोस्ट है टोटल वैकेंसी जो है इसमें, यानी कि 6 to 11, 12 तक जितना वैकेंसी है टोटल मिलाकर 70,622 यानी बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। अगर आप तैयारी करते थे जैसे इस बार वैकेंसी हुआ है, कट ऑफ देखिए लिए बीपीएससी की कट ऑफ कितना गया था, तो कट ऑफ कोई मायने रखने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा आप तैयारी करते हैं तो समझिए कि इस बार भी आपका अच्छा खासा जॉब होने वाला है, ठीक है। तो जो लोग बीएड और डीएड कर लिए हैं उनके लिए तो समझिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग नहीं किए हैं वो कर ले क्योंकि बिहार सरकार देख लीजिए, अगर बिहार सरकार एक बार ठान ले कि नौकरी देना है तो देगी नहीं छोड़ेगी आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं पोस्ट कितना है किस कैटेगरी में। देखिए मिडिल स्कूल टीचर जैसे 6 to 8 वाले में मेल में कितना पोस्ट है, यूआर से जो आते हैं उनके 6,267 पोस्ट है, बीसी के लिए 1,865, ईबीसी के लिए 2,805, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,634, एसी के लिए 2,500 सीट है, और एसटी के लिए 120 सीट है, ठीक है, और बीसी फीमेल के लिए 948 सीट है, ठीक है। यानी कि 6 to 8 में मेल के लिए टोटल कितना पोस्ट है, तो 16,140 पोस्ट है मेल के लिए, ठीक है। और 6 to 8 फीमेल के देखिए, फीमेल में यूआर के लिए कितना है 6,544 सीट है,
और बीसी में 1962 सीट है, और ईबीसी के 2924 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1529 सीट है, और एसी के लिए 2606 सीट है, और एसटी के लिए कितना सीट है, 278 सीट है, ठीक है, फीमेल में 278, और फीमेल बीसी फीमेल के लिए 948 बताए थे, और टोटल सीट फीमेल में कितना है, तो 15842, ठीक है। 6 to 8 में टोटल सीट देख लीजिए, यानी कि लमसम 32,000 सीट है। 6 to 8 में आपका फीमेल और फीमेल मिलाकर कितना सीट है, तो लमसम 32,000 सीट है, ठीक है, 6 to 8 में। चलिए आगे देखते हैं हम, 6 to 8 हो गया, और 9 to 10 हम देखेंगे, 9 to 10। अब देखते हैं 9 to 10 में कितना है मेल और फीमेल दोनों मिलाकर, तो जनरल के लिए कितना है, 7534। जनरल के लिए कितना है, जनरल में कितना है, 7000, जनरल में आपका 7534 है 9 to 10 वाले, और बीसी में 2277 बीसी में, ईबीसी में 3414 सीट है, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस में 1871, एसी के लिए 3021, और एसटी के लिए 215, और बीसी फीमेल के लिए 545, यानी टोटल 9 to 10 में 18877 पोस्ट है। कितना पोस्ट है, 18877 पोस्ट है, ठीक है, 9 to 10 हो गया। अब देखिए 9 to 10 टीजीटी टीचर टीजीटी वाला हो गया, ठीक है ना। आप देखते हैं स्पेशल टीजीटी जो ट्रेनिंग वाले आते हैं उनमें 9 और 10 में कितना सीट है, ठीक है, मेल और फीमेल मिलाकर, तो जनरल में 195, बीसी के लिए 4, ईबीसी के लिए 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, एसी के लिए 12, और इसमें एसटी का पोस्ट नहीं है और बीसी फीमेल का भी पोस्ट नहीं है, टोटल कितना सीट है, 270 पोस्ट है स्पेशल टीजीटी के लिए, कितना है, 270 पोस्ट है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं 11th और 12th में देखते हैं कितना पोस्ट है, 11th और 12th में देखिए 10+2 जो 11th और 12th जो होते हैं उनमें टोटल कितना पोस्ट है, तो मेल फीमेल की बात करें तो जनरल में 7420 पोस्ट है, बीसी में 2225 पोस्ट है, ईबीसी में 3344 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना पोस्ट है, तो 1859 पोस्ट है, और एसी के लिए 2987 सीट है, और एसटी के लिए 190, एसी के लिए एसी 2987 और एसटी में 190 सीट है, और बीसी फीमेल के लिए 552 सीट है, और इसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो 18577 सीट है, ठीक है, 18577 सीट है। देखिए स्कूल टीचर में जितना तो वैकेंसी आपको हम बता दिए कि स्कूल टीचर में टोटल कितना वैकेंसी है, स्कूल जो टीचर है उसमें टोटल वैकेंसी आपको बता दिए, क्लास वाइज कितना वैकेंसी है टोटल बता दिए, ठीक है। अब हमको आपको बता रहे हैं कि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वेलफेयर के थ्रू जो वैकेंसी है उसमें हम देखेंगे कितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज देखेंगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज और किस क्लास में कितना पोस्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है। तब देखिए प्राइमरी स्कूल ट्रेनिंग टीचर 6 to 8, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल मिलाकर जनरल में 93 सीट है, बीसी में 27 सीट है, और ईबीसी में 42, ईडब्ल्यूएस 24, एसी के लिए 29 और एसटी के लिए 3, और बीसी फीमेल के लिए 6 सीट है, तो टोटल कितना है, 234 पोस्ट है, टोटल 234 पोस्ट है। अब देखते हैं 9 और 10 इसमें कितना है, मेल फीमेल के लिए 96 और बीसी के लिए 32, ईबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 34, एसी के लिए 40 और एसटी के लिए 8 और बीसी फीमेल के लिए 8 पोस्ट है, यानी टोटल पोस्ट 248 पोस्ट है, ठीक है। और 10+2 में देखते हैं 11th और 12th में कितना पोस्ट है मेल और फीमेल दोनों मिलाकर, जनरल में 156 सीट है, बीसी में 52 और ईबीसी में 65, ईडब्ल्यूएस में 37, एसी के लिए 65, ठीक है, और एसटी के लिए 13 और बीसी फीमेल के लिए 13, यानी टोटल 403 पोस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हेडमास्टर में टोटल पोस्ट कितना है, हेडमास्टर में मेल और फीमेल मिलाकर जनरल में 12 सीट है और बीसी में 4 सीट है, ईबीसी आपका 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 और एसी के लिए 5, एसटी के लिए 1 और बीसी फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, टोटल कितना पोस्ट है, तो 31 पोस्ट है। कितना पोस्ट है टोटल 31 पोस्ट है, ठीक है, तो टोटल पोस्ट कितना है 31 है। अब हम देख लेंगे इसके बाद कि पोस्ट वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको मिडिल स्कूल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर 9th और 10th के लिए क्या चाहिए, ठीक है, और 11th और 12th के लिए कौन सा डिग्री आपके पास होना चाहिए, हर एक चीज़ आपको देख लें, यानी कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ से, देखिए मिडिल स्कूल टीचर 6 to 8 उनके लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। पहले ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, क्या चीज़, डीएड होना चाहिए, या डीएड होना चाहिए, या फिर देख लीजिए, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन या पीजी, और उसमें कितना मार्क्स होना चाहिए आपका, तो 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन किए हैं या फिर पीजी किए हैं उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, विथ किसके साथ, और आपको उसके बाद क्या होना चाहिए आपका, बीएड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, या ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क, और अगर आप ग्रेजुएशन आपका 45% मार्क है तो आप क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, और एनसीईआरटी नॉर्मल से,
या फिर आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, या आपको ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क या होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको ग्रेजुएशन चाहिए और उसके साथ बीएड चाहिए, और ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। या किसके लिए है तो मिडिल क्लास मिडिल स्कूल टीचर 6 to 8 चाहिए, समझे, इतना होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी नाइन और टेंथ के लिए, टी जी टी नाइन और टेंथ के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आपका सेम कैटेगरी होना चाहिए, देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। इसमें देखिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है जिसको पीजी कहते हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50%, यानी जिस सब्जेक्ट में है आप ग्रेजुएशन किए हैं उसमें आपको कितना 50% होना चाहिए, और साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या उसके बाद ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं और पीजी किए हैं, ठीक है, उसमें आपको कितना होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और आपका बीएड डिग्री होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो 4 साल इंटर वाला जो होता है, इंटर के बाद 4 साल वाला डिग्री होते हैं, बीएड करते हैं, वो आपको अगर आप कर लेते हैं 4 साल बाद तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, 9th और 10th वाला है क्वालिफिकेशन, आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे है 9th और 10th TGT स्पेशल 9th और 10th, ठीक है, जो ट्रेंड टीचर के लिए है। इसमें देखिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप जिससे किए हैं उसी से आपका बीएड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीएड, और ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए आपका, 50% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, 9th और 10th के लिए, जो स्पेशल 9th और 10th वाले TGT वाले होना चाहिए, ठीक है। आप देख लेते हैं 10+2 यानी कि 11th 12th के लिए आपको पीजी क्वालिफाई होना चाहिए, और कितने परसेंट मार्क्स होना चाहिए पीजी में, मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और उसके बाद डीएड डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है, समझ गया ना। अगर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी और उसमें कितना मार्क्स होना चाहिए आपका, 45% मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास और क्या डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 45% मार्क्स विच एज पर 2022 नंबर एंड बीएड डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन, या आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 11th और 12th वाला है, ठीक है। अब देख लें मास्टर यानी हेडमास्टर के लिए, हेडमास्टर के लिए क्या होना चाहिए, तो हेडमास्टर के लिए आप ध्यान रखिए, हेडमास्टर के लिए सबसे जरूरी है, हेडमास्टर के लिए आपको सीटेट जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो, ठीक है, सीटेट क्वालिफाई हो कोई जरूरी है, ठीक है। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, कौन सा डिग्री, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी बोर्ड में, और उसमें कितना मार्क्स होना चाहिए आपका, 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, यानी और पीजी भी होना चाहिए, पीजी बीएड आपके पास होना चाहिए, पीजी के बाद बीएड आपको होना चाहिए, और मास्टर डिग्री आपके पास रहेगा तो आप हेड मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, प्राइमरी टीचर 15 यानी कि आप प्राइमरी टीचर 15 साल है, या TGT 8 ईयर के लिए है, ठीक है, या फिर PGT 4 ईयर के लिए ट्रेनिंग आपके पास है, तो ये वाला फॉर्म आप भर सकते हैं, हेडमास्टर वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके बाद हम आपको हम बता देंगे इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, और जितना भी स्टेट वाइज किस स्टेट में कितना टोटल वैकेंसी है हम इसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, फिर अगले मिलते हैं।